थपेड़ा वापस चुंदर कल वो बाहर रखी हुई थी ना बेटा इसके सामने मत करिए देर से ब्रश छीन लेगा छोटे बाबू की टिक्की 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 ये देख आहा क्या लगी टिक्की और गाल पे कैसे लगेगी आहा हाथ पे कैसे लगाते मम्मा कैसे लगाती वो हाथ दे दे ना दिखा दे उधर दिखा दिखा ना उधर छोटा बेबी कैसे करता है छोटा बेबी पाँव पे लगा दो पाँव पे लगाओ इधर भी लगा दो पाँव पे हैप्पी बर्थडे तू भी कर दे पापा को हैप्पी बर्थडे कर दे हैप्पी बर्थडे किसी कर दे पापा के मैं तैयार हूँ आप तैयार हो जाओ बातों में तैयार हूँ चलो कुछ नहीं चलने तो इसको तो हम लोग जा रहे हैं अभी जुलूस में आज है भरत जी का बर्थडे और यहाँ पे जैन लोग हैं उनके हैं चौबीसियों के गीत जो पूरे हुए 31 रात इसलिए आज है बिंदुली रुद्र छी ए ए ए ए नहीं 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 अबे चल रहे पर चल रहे छोड़ इसको भरत जी रुक जा बेटा फोन गिरा तो जुलूस से आ गए हम घर पे रुद्र तो एक तो रह नहीं रहा और आज हम सबका खाना भी वही है वैसे मतलब ये क्या था आज क्या है वहाँ पे वरघोड़ा जो लोग जैन है वो लोग ये चीज़ जानते होंगे हमारे यहाँ पे उन्होंने 31 उपवास किए थे मतलब भाभी जी हैं उन्होंने
तो उसका आज पूरा फंक्शन है और खाना वगैरह सब वहीं, और आज ही भरत जी का बर्थडे है। देखो आज के दिन कैसे निकलता है, खाना वगैरह सब वहीं पे, पार्टी वार्टी, और आज फाइनली हम लोगों का घी भी छूट रहा है। तो घर पे आके एक शूट कर लिया, फटाफट से रेडी हो गई, और ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, इसका मैंने अभी हेयर वॉश करके शूट किया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर हम बाहर जाएंगे तो वो तो डेफिनेटली जाएंगे रात को, हम जाएंगे चित्तौड़ और वहाँ पे भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अगले दिन प्रफुल का भी बर्थडे है, मतलब 3 को भरत जी का, 4 का प्रफुल का है। तो हेयर स्ट्रेट भी करवा लूँगी, तो बच्चे कुछ जो प्रमोशंस हैं वो मेरे स्ट्रेट हेयर में हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी मेरे से जितने हो रहे हैं कोलैबोरेशन वो मैं कर लेती हूँ। बैठो रहा मेरे सेकंड शूट का लुक, और बहुत ही सुंदर से लहंगे, बहुत ही सुंदर सी साड़ियाँ आई हुई है करवा चौथ और ये सब के अकॉर्डिंग, दिवाली के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा लहंगा ये। तो अभी बस भरत जी आ गए, वो करेंगे शूट। हाँ बेटा क्या हुआ, हाथी देखना है, क्या देखना है? हाथी चला रही मम्मा, चला रही हाथी, आ गया हाथी, आ गया। हाउ रेडी, तो शाम के 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे चिकाड़ा से, और उससे पहले जो भी बीच में वो हमें बता देती हूँ, बैग पैक किया, हम लोग खाना खा के आए और फिर जाने की तैयारी हो गई, तो फिर मुझे नींद आ गई। मेरा बहुत तेज सिर दुख रहा था, क्योंकि मेरे को क्या रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और ये रुद्र इतना मतलब परेशान करता है, ये रहता भी नहीं है और ना सोता है, पूरे दिन में इसके सोने का भी काम नहीं है। अब तो मेरा सर दर्द होने लग गया था, जाने के टाइम पे ना हम 3:30-4 बजे तक हम जा ही रहे थे, पर मुझे नींद आ गई, तो फिर हम 5:30 बजे गए, अब निकले हैं और अब पहुंचेंगे, तब तक 6:30-7 तो बज ही जाएगी, फिर वहाँ जाके देखते हैं कैसे क्या प्लान करते हैं। अभी तो शक्ल से ऐसे लग रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, और ये घर मुझे बड़ा नया नया सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ कलर हो चुका है। मम्मी ना रहे हो, नहीं खुला है, वाह तो हमारे घर में कलर, अरे वाह ये देखो मस्त मस्त काफी अच्छा हॉल वगैरह सबका एकदम लुक ही चेंज हो गया। ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, फिर मैं ब्लॉग बनाना भूल गई, और उसके बाद में मैं 4 घंटे बाद में से वापस रिकंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को। गाड़ी में भी नहीं होना। हाँ, अब हम 5-6 जने बस, फ्री है सबकी। कंसेंट जरूरी है। क्या मंदिर बनाया है? ऐसा लग रहा है हम दोनों कपल में बैठे हैं, और ये अलग बैठे हैं वाले में। मैं उधर बैठ गया था। आप इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। तो खाना वाना खा के फ्री हुए जस्ट अभी। हम 5 जने ही हैं, मैं, हमारे फ्रेंड्स, मतलब मैं, सलोनी भाभी, भैया प्रफुल और भरत जी। खाना खाया, फ्री हुए, रुद्र उसकी नानी के पास में, अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। मूवी है कौन सी नहीं पता, बस हम इन लोगों के पीछे पीछे जा रहे हैं।
कहाँ है? तो कोई बात नहीं, पिक्चर की टिकट विकट लेंगे जितने, अब रुकने में क्या सारे, चलो यहाँ अपन फोटो खिंचवाएंगे अंदर। ये वाली मूवी देखने चल रहे हैं अपन। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है इंटीरियर, यहाँ पे अक्सर आने में फोटो खिंचवाने का मेन मकसद होता है हमारा। ये क्या किस में हम आ गए हैं मूवी, और देखते हैं ये लोग सोफे वाली सीट पे बैठे होंगे वैसे जहाँ तक मुझे पता है। अभी तो फिलहाल अंधेरा है मूवी में। ये देखो ये बढ़िया चमचमाती हुई शक्ल है इनकी। जोर से हैप्पी बर्थडे करना, देखो व्लॉग चल रहा है। जोर से जितना भी धीरे भी गाओ तो भी अच्छे से गाना, नहीं उठेगा उसको तो थपेड़ा वापस। हैप्पी बर्थडे टू डियर प्राफुल, हैप्पी बर्थडे टू भरत जी, हैप्पी बर्थडे। ये तो कल के व्लॉग में आपको रुद्रा नहीं नजर आया होगा, मतलब अब दिख रहा है। आज वापस से प्रफुल्ल का बर्थडे जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वही सेम साड़ी सेम ड्रेस हम लोगों ने पहनी है, क्योंकि कल वीडियोस फोटोज हम कुछ भी नहीं ले पाए थे, काफ़ी लेट हो गया था और कोई था भी नहीं, तो हम सिर्फ मूवी देख के आ गए थे। और अब आज हम अंकल जी आंटी जी आ रहे हैं, प्रफुल्ल भरत जी और मैं कहीं खाना खाने जा रहे हैं, और देखते हैं खाना खाने कहाँ जा रहे हैं। पूरा दिन ऐसे निकला पता भी नहीं चला, थोड़ा सा काम में निकल गया, और मैं सोच रही थी कि अब ब्लॉग शूट करूँ और याद ही नहीं आ रहा था कि कैमरा निकालना है। ये यार आंटी कितना सही है। तो हम आगे प्रफुल्ल का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हंसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जीव जगत में सिर्फ आदमी ही हंस सकता है। फुर्सत के कुछ पल स्वर्ग के 100 साल जैसे। झूलो बेटा झूलो, आप ही झूलो ना, आप ही झूलो। हाँ गुड, आई चेहरे पे स्माइल। ये मस्त है, अच्छी जगह है ना अंकल? अच्छा लग रहा है। ये अच्छा है। हम काफी एथनिक प्लेस पे आए हैं आज भाई। अच्छा ही है। अच्छा क्या, पीछे देख अपन वहाँ बैठेंगे उधर गोले में। अच्छा अच्छा, मजा आएगा। तो जो भरत जी का बर्थडे था ना, वो दिन कुछ इतना मतलब खास नहीं निकला जो मैंने सोचा था कि हाँ बर्थडे पे हम बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक करवाएंगे, मैं हेयर स्ट्रेट करवाऊंगी, ऐसा एज सच कुछ भी नहीं हुआ था। मैं चित्तौड़ गई, तब तक बज गए थे के 7 बज गए थे, और फिर पार्लर गई तो पार्लर पे पता चला कि पार्लर वाले दीदी ही नहीं हैं, तो हेयर स्ट्रेट हो ही नहीं सकती। उसके बाद में फिर घर पे गए तो पता चला जो आंटी अंकल हैं वो बाहर गए हुए हैं, तो मतलब ऐसा सब डिसमिस हो रहा था प्रोग्राम की, कौन कहीं जाएगा कौन कहाँ जाएगा, तो कुछ भी लास्ट में ऐसा हुआ कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। फिर हम 5-6 7 जने ही थे हम लोग फ्रेंड सर्कल के, हमारा फिर फाइनल प्लान ये बना कि मूवी देख के आ जाते हैं और कुछ खा लेते हैं।
तो हम खाने गए, उसके बाद में डायरेक्ट मूवी चले गए थे। और भरत जी के बर्थडे पे हमने टोटल 3 केक काटे। फर्स्ट जो भरत जी के बर्थडे के दिन एक भी केक नहीं कटा है। भरत जी का बर्थडे ख़त्म हो गया 4 अक्टूबर रात को 12 बजे हमने केक काटा, नहीं 1 बजे केक काटा। मूवी ख़त्म हुई थी देवरा 1:30 बजे। बहुत अच्छी मूवी है, रिव्यूज़ अगर दूँ तो वो बाहुबली की तरह सस्पेंस क्रिएट कर देती है लास्ट में। तो 1:30 बजे हमने प्रफुल्ल और भरत जी का वही केक काटा। और फिर उसी दिन रात को अंकल जी आंटी जी आ गए, तो हम सबका प्लान बन गया कि हम बाहर खाना खा के आएंगे। सेकेंड केक उस दिन कटा। थर्ड केक हमने काटा ससुराल में चिकाड़ा आके, जो कि हम अगले दिन सुबह आ गए थे 10:30-11:30 समथिंग हम आ गए थे। और फिर केक वगैरह काटा, और सबके यहाँ पे नवरात्रि के व्रत भी चल रहे थे, तो सुबह काटने में ही भलाई समझी हमने। और फिर बस घर पे आए, काम किया, फ्री हो गए, केक काटा, उसके बाद में एज यूजुअल घर के काम चल रहे थे। पापा जी आप जाओ ना उधर, वही अपन सब यहाँ खड़े, एक बार सब खड़े हो मम्मी जी पास में, मैं ये कैमरा सेट कर रही हूँ जो। अरे रुद्र को या तो डंक दो ऐसे, ये बिना पेंट के जो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नीचे टेबल के नीचे खड़ा करो, इसको टेबल के नीचे खड़ा करो। शक्ल ऐसे सुधर जाती है, अच्छा बाल नहीं कराए। हाँ बाल मशीन से, बढ़िया मशीन से करते हैं, जो मतलब ये देख लो एक हफ्ते तक सीधे रहते हैं, पर वापस सिर तो परसों तो धोने ही से वापस सोमवार आ गया जो। नहीं पहले से ही चल रहा था गैस, तो मैंने चालू करके दवा टपा रखा था एक बार का, तो वापस गैस बंद हो गया होगा, मम्मी जी नहीं आए होंगे जो। कि 4 पटरी चाहिए नहीं ले, एक मिनट इतना वन ले लो, चिकन मेरी भाजी में। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं कुछ ज़्यादा इतना रिकॉर्ड कर नहीं पाई, बिकॉज़ मैं ये सोचती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाऊं। एज़ यूजुअल जो भी काम चल रहा है घर का वो मैं आपको कितना दिखाऊंगी। और देखो हर औरत घर का काम रोज़ी कर रही है, तो वो बार बार दिखा के भी कुछ मज़ा तो आता नहीं है, इस वजह से जो कुछ नया होता है मैं वही रिकॉर्ड करती हूँ, थोड़ा बहुत लिमिटेड कुछ नया हो तो बस। तो ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से अपलोड करूँ, एक रिकॉर्डेड है, और दूसरा ब्लॉग मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का सोच रही हूँ, और वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।